हेलो दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर मैं जीके जीएस से रिलेटेड 10 बहुत ही अच्छे ट्रिक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियोस अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो ट्रिक्स हमारी होने वाली है वो है भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में शामिल भाषाओं को याद करने की ट्रिक। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है नमक। क्या है दोस्तों? नमक। न से बनेगा नेपाली, म से मणिपुर, कैसे कोणार्क, ठीक है, कौन की। तो यहाँ पर देखिएगा, इस 71वें संशोधन में भाषाएं शामिल की गई थी वो तीन की गई थी, और उसकी ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुर और कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा, यहाँ पर महमूद गजनवी के समय के विद्वान, जो महमूद गजनवी के समय विद्वान थे उनको याद करने की ट्रिक है फूफा। क्या है दोस्तों? फूफा। काफ़ी अच्छी ट्रिक है। एफ से बनेगा फारूकी, यू से बनेगा उतवी, एफ से बनेगा फिर फिरदौसी, आ से बनेगा अलबरूनी। ये चारों के चारों दोस्तों विद्वान जो थे महमूद गजनवी के समय के विद्वान थे। नेक्स्ट जो ट्रिक होने वाली है हमारी वो है देखिएगा, भारतीय नदियों को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक। जो भारतीय नदियाँ हैं उसको याद करने की जो ट्रिक है वो है यहाँ पर समानता। क्या है देखिएगा ट्रिक? समानता। से बनेगा साबरमती नदी, मा से बनेगा महानदी, ना से बनेगा नर्मदा नदी, ता से बनेगा ताप्ती नदी। तो यह है दोस्तों भारतीय नदियों को याद करने की सौ ट्रिक्स। तो ये तीसरी ट्रिक्स थी हमारी। चौथी ट्रिक्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो भारत के दर्रों को याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है यहाँ पर देखिएगा, फिर जोक बाबू उमानी ली हीरो के पास वसी। यह है इसकी ट्रिक, और ट्रिक को क्यों रिलेट करेंगे देखिएगा, यहाँ पर फिर से बनेगा पीर पंजार दर्रा दर्रा, जो से बनेगा जोजीला दर्रा, का से बनेगा काकोरम दर्रा, वा से बनेगा वनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है, बू से बनेगा बुरजिल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो ये सारे के सारे दर्रे कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है ऊ से बनेगा, ये शब्द केवल आपको जो है कोरिलेट करने के लिए है। माँ से बनेगा माना दर्रा जो उत्तराखंड में, नी से नीति दर्रा उत्तराखंड का है, ही से ये कोरिलेट करने के लिए है, रो से रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का है, के पास ये कोरिलेट करने के लिए, वा से बौमी दिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, शी से शिपुलिक किला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है यहाँ पर जो फिफ्थ नंबर की ट्रिक है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश, जो मगध साम्राज्य है उस पर जो शासन करने वाले वंश थे उनको याद करने की ट्रिक है, हसीन मासू का साथ, हसीन मासू का साथ। तो हा से बनेगा हरियंश वंश, सी से बनेगा शिशुनाग वंश, ना से बनेगा नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, का से कण वंश और सात से सातवाहन वंश, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश। तो सबसे पहले इसको याद करने की ट्रिक थी हसीन माशू का साथ, हसीन माशू का साथ, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, शतवाहन वंश, ठीक है। नेक्स्ट छठे नंबर की जो ट्रिक्स है दोस्तों वो है देखिएगा यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य को याद करने की, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य को याद करने की ट्रिक्स है फ्रेस, ठीक है, एफ आर ए सी ई फ्रेस। तो एफ से बनेगा फ्रांस, आर से रशिया, आर से अमेरिका, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड। तो ये सारे जो देश हैं दोस्तों आपके पांच देश, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रिक नंबर 7, यमुना नदी के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहर, जो शहर यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं उनको याद करने की ट्रिक है आदिम। क्या है दोस्तों? आदिम। आ से आगरा, सही है, दी से नई दिल्ली, मा से मथुरा, आदिम, जो मथुर जो आपके यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट ट्रिक है 8वें नंबर की, अभ्रक उत्पादक जो देश हैं वो कौन कौन से हैं उनको याद करने की ट्रिक, अभ्रक के उत्पादन को याद करने की ट्रिक है वीवीसी। क्या है दोस्तों? वीवीसी। वी फॉर भारत, वी फॉर ब्राजील, सी फॉर चाइना, ये सबसे ज्यादा अभ्रक को उत्पादन करने वाले प्रमुख देश हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सोना उत्पादक के प्रमुख देश, जो सोना उत्पाद करते हैं, 10 ऑस्ट्रेलिया, इसकी ट्रिक है क्या है? 10 ऑस्ट्रेलिया। क्या है? 10 ऑस्ट्रेलिया। दा से बनेगा दक्षिण अफ्रीका, शाह से संयुक्त राज्य अमेरिका, और ओश है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया है ही। नेक्स्ट है और लास्ट ट्रिक है इस वीडियो की, बाबर द्वारा जीते गए युद्ध एवं उनकी मृत्यु को याद करने की जो ट्रिक है वो है, पानी पिया खाना खाया चला गया मर गया, ठीक है, पानी पिया खाना खाया चला गया घर गया मर गया। तो पानी से बनेगा पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ, खाना से बनेगा खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, चल से बनेगा चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ, घर से बनेगा घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ, और मर से बनेगा मृत्यु जो 1530 में हुई। तो ये आपको याद करने काफ़ी सिंपल है, देखिएगा 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, तो इनको इस सन को भी याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा और मृत्यु, सही है, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, इस तरीके से इसको आपको रिलेट कर सकते हैं। वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।